श्रीमती लवंग आनंद यानी मिसेज आनंद, मेरा मतलब है लवंग भाभी। वो कहते हैं कि खाना इंसान के लिए बहुत आवश्यक है, खाना नहीं तो खाना नहीं भाई, गाना। अच्छा अच्छा, गाना ना हो फिर जीवन में रोना ही रोना शेष रहे। या, या। थैंक यू थैंक यू। हाँ तो भाई फिर गाना आरंभ किया जाए, लेकिन देखना यह है कि उपस्थित सज्जनों में से कौन तैयार होते हैं या होती हैं। भाई माफ कीजिएगा मुझे, सज्जनों शब्द में केवल पुरुष वर्ग ही आता है, इसलिए भाभियों और भाइयों आप में से कौन कौन सामने आ रहे हैं गाने के लिए? देखिए साहब, अगर मैं सज्जनों और सज्जनियों कहूंगा तो यहाँ जो देवियां उपस्थित हैं वो मुझे मार मार कर प्लेटें फेंकेंगी। आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि वो प्लेटें फेंक फेंक कर, नहीं नहीं वो मेरा मतलब है कि वो प्लेटें फेंक फेंक कर मारेंगी। और अगर कोई रसोई घर में हुई तो एक्सक्यूज मी, बेलन चिमटा झाड़ू। हाँ तो साहबान, मैं कह रहा था, मेरा मतलब है इसीलिए मैंने स्त्रियों को भाभी और सज्जनों को भाई कह दिया है। अब चूंकि यहाँ सभी हमारे मित्रों की पत्नियां हैं, इसीलिए किसी देवी को कोई आपत्ति नहीं होगी, और यदि होगी भी तो वो कृपया अपने हाथ उठा दें। हैं? आप अपनी बीवी को भी शायद भाभी कहते हैं? अरे नहीं भाई, नहीं 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 ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन जो ठीक है भाई, ऐसा करते हैं कि वो पश्चिमी तरीका अपनाते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, काश कुछ देर मेरी पत्नी आना होती, लेडीज आर अ ड्रॉबैक। शेम 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 शेम। कुछ भी हो साहब, ऑडियंस में आपके लिए एक सजनी भी मौजूद है। क्या? अच्छा, जरा यहाँ तो सजनी कह ही दीजिए। कुमार बाबू, घर पर आपकी बेलन चिमटे से ही खबर ली जाएगी, फिक्र मत कीजिए। कहते थे ज्यादा ना बोलो, जरा कहकर देखिए सजनी अपनी बीवी को। घर जाकर आप ऐसे सजना बनते हैं क्या? सच तो ये है साहब कि आदमी को इस मामले में काफी आजादी होनी चाहिए, और मैं तो कहूंगा कि हर आदमी नहीं, नहीं नहीं नहीं, हर साजन की एक सजनी जरूर होनी चाहिए जी। पत्नी तो आखिर पत्नी है। अरे जियो कुमार बाबू, लाजवाब कर दिया आपने। थैंक यू। आखिर फिल्मी टच इसी को तो कहते हैं। 3 cheers for कुमार बाबू। मानव जीवन के 2 सबसे बड़े अचीवमेंट हैं, एक तो अच्छी सी नौकरी, यस, और दूसरी सुंदर सजनी। क्या कहने आपकी सूझ के कुमार बाबू। हाँ जी, अभी आप तो कुंवारे हैं ना प्रियदर्शी भाई। अरे भाई साहब, आज आपके कॉलेज में परमानेंट होने की खुशी में पार्टी है ये, समझे? अब अचीवमेंट नंबर 2 के सिलसिले में प्रोफेसर प्रियदर्शी जिंदाबाद। भाई मैं तो कहूंगा प्रोफेसर आनंद, भारतीय विवाह के तरीके को बहुत गिरा हुआ पाता हूँ, क्योंकि साहब उसमें सब कुछ होता है परंतु रोमांस नहीं होता। रोमांस नहीं होता। अरे भारतीय विवाह इज नो अचीवमेंट, उसमें क्लाइमैक्स, दिलचस्प वाक्यात, अरे भाई यूं कहिए कि हीरो हीरोइन का चांदनी में मिलने के बाद ड्यूएट नहीं होता, right. कभी कभी दिल टूट जाने पर एक दर्द भरा हिट सॉन्ग नहीं होता। अब यही जिंदगी में ग्लैमर होना चाहिए। ये हुआ कुमार बाबू टच। हाँ तो भाई सज्जनो, माइनस माय मिसेस एंड अदर लेडीज, अरे भाई क्या है कि कुमार बाबू यानी मेरे वाक्यों को ब्रह्म वाक्य समझ लीजिए, और प्रोफेसर प्रियदर्शी जो कहते हैं वो भी समझ लीजिए कि मेरी ही आवाज है। और प्रियदर्शी साहब, भारतीय विवाह में भी विश्वास रखते हैं या नहीं? रखते हैं रखते हैं, जब वो रोमांस से थक जाएं तब। और भाई मैं तो कहूंगा कि एवरी रोमांस इज अ डॉन ऑफ मैरिज एंड एवरी मैरिज इज अ सनसेट ऑफ रोमांस। एवरी रोमांस इज अ डॉन ऑफ मैरिज एंड एवरी मैरिज इज अ सनसेट ऑफ रोमांस। यानी रोमांस उसी लड़की से ना हो जिससे कि शादी होने वाली हो तो भी। हाँ हाँ चलेगा मिसेस आनंद, चलेगा।
प्रियदर्शी साहब भारतीय विवाह को महज एक फर्ज मानते हैं, रोमांस ज्यादा आवश्यक है, वरना जिंदगी ही क्या है? आई ऑब्जेक्ट, ये भारतीय स्त्रियों की मानहानि का प्रश्न है। क्यों भाई? बिल्कुल सच, हम स्त्रियां भी आजाद विचारों की हैं। हम भी सोसाइटी में आजादी के साथ आती जाती हैं, साथ ही हम अपने पतियों के प्रति भी ईमानदार रहती हैं। बिल्कुल, गृहस्थी भी चलाती हैं और बच्चे भी पालती हैं। जी हाँ, बच्चे भी पालती हैं। क्या केवल मिस्टर प्रियदर्शी ही अकेले पैदा हुए हैं? पकड़े गए ना प्रियदर्शी बाबू, बगले झांक रहे हो। भाई हम लोग आज इन्हें छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल, इस तरह ये भारतीय विवाह संस्थानों में अराजकता फैलाना चाहते हैं। मिसेस कुमार भी मेरे साथ हैं। मैं स्त्रियों की ओर से मिस्टर प्रियदर्शी और कुमार बाबू पर मुकदमा चलाना चाहता हूँ। लेकिन मिसेस कुमार का ख्याल है, चूंकि आज खाना यहाँ हुआ है इसलिए घर पर बेलन चिमटा खाली होंगे, लिहाजा कुमार बाबू को लोकल पनिशमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई आनंद, ये क्या कह रहे हो तुम? ये रहा नहले पर दहला। क्यों कुमार बाबू, लेडीज आर अ ड्रॉबैक। और चूंकि मिस्टर प्रियदर्शी अविवाहित हैं, इसलिए या तो ये प्रमाणित करें कि रोमांस सिर्फ पुरुषों के लिए ही आवश्यक है, यह चुपचाप विवाह करके हमारी तरह गृहस्थी बसाएं, वरना इस शादीशुदा समाज से इनका पत्ता साफ। पकड़े गए प्रियदर्शी बाबू, पकड़े गए। कहां तक बचाऊं तुम्हें यार, तुम लोगों को बचाव भी करना नहीं आता। कहा था लेडीज से ना भिड़ा करो, पर साहब क्या कहें, धक्के खाएंगे। पर आप देखिए ना, धक्के खाएंगे मगर तमाशा है। क्या देखेंगे, वाह 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 वाह। मैं समझता हूँ स्त्रियों की बुद्धि पुरुषों से 8 गुनी अधिक होती है। क्या मेजरमेंट है बुद्धि का। इसीलिए तो भारत में पत्नी की उम्र पति से कम 8 वर्ष कम रखी जाती है, और कहीं कहीं पत्नी 8 वर्ष बड़ी भी होती है। तभी तो साहब किसी ने लिख दिया, छोटा सा बालमा मोरे आंगना में गिल्ली खेले। तो साहब लेडीज की ओर से मुकदमा दायर किया जा रहा है। श्रीमती कुमार अपना आरोप दोहराएं। तो सुनिए साहबान, मिस्टर प्रियदर्शी एक अविवाहित नौजवान हैं। बिल्कुल है। जो भारतीय विवाह संस्था में विश्वास नहीं करते, और यदि विश्वास करना चाहते हैं तो उसमें पश्चिमी रंग भरना चाहते हैं। गोया बिना रोमांस के शादी न हो, या रोमांस का शादी से कोई संबंध नहीं, यानी कि हम स्त्रियां पुरुष की हर जाति बर्दाश्त करती जाएं, ऐसा नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं समझता हूं कि इस मुकदमे में विजय मिस्टर प्रियदर्शी की ही होगी। भला कुमार बाबू यानी मुझ जैसा जिसका वकील हो, उसकी वजह क्यों नहीं होगी? मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। पकड़े गए ना कुमार बाबू, मैं समझता हूँ आप लोग सुलह कर लीजिए। सुलह? असंभव। देखिए, मैं अपने जीवन की एक दुखांत घटना सुनाता हूँ, इसे आप लोग लॉ रिपोर्ट की तरह नजीर समझें बस। अजी मेरा प्रस्ताव तो ये है कि हम में से हर कोई अपने जीवन की एक सुखांत घटना यानी कॉमेडी सुनाए। हाँ भाई, तो सबसे पहले पेश हैं प्रोफेसर आनंद। Give me a big hand. Ladies and gentlemen, ये वो लाजवाब कॉमेडी है जो ट्रेजेडी होने से बाल बाल बच गई। How sad. मेरे विवाह की मेरी भाभी को बड़ी जल्दी थी, होनी थी, और जिस लड़की से मेरे विवाह की बात चलाई जा रही थी वो मेरी भाभी की बहन थी। अच्छा अच्छा, वाह वाह। भाभी के कथनानुसार काफी रूपवती थी और वो बंबई में प्रैक्टिस करती थी, और साथ में मेडिकल कॉलेज से अटैच भी थी। पर साहब मैं विवाह नहीं करना चाहता था बिना जान पहचान, मतलब प्रीवियस रोमांस, यही समझ लीजिए, बिना इसके शादी करना पसंद ना था। जी हाँ। पर जब भाभी ने काफी समझाया तो मैं राजी हो गया। अच्छा। किंतु विवाह के पूर्व सोचता रहा कि कवियों ने तो रोमांस पर कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम ले लीजिए। और आनंद साहब, आइए मीमांसा बंद भी कीजिए, सीधी अपनी कहानी सुनाइए।
अरे भाई मनोवैज्ञानिक कहानी फ्लॉप हो जाती है। चलो आगे बढ़ो। हाँ तो मैं सोचता रहा काश रोमांस का भी इस जीवन में स्वाद चख पाता। रोमांस का आइसक्रीम था? हाँ जी नहीं भेलपूरी होगी। नहीं साहब मिस्टर प्रियदर्शी की तरह मृग तृष्णा। क्या बात कह दी है, सत्य जाओ सत्य जाओ। वो कहा भी है ना कि वो कस्तूरी अंतर बस है मृग ढूंढे बन माही। बल्कि ऑप्टिकल इल्यूजन। तो साहब मेरी भाभी की बहन बंबई में डॉक्टर थी, मुझे भी बंबई जाने का काम निकल आया। सोचा इस ट्रिप में अपनी होने वाली पत्नी से मुलाकात भी हो जाएगी और कहीं रोमांस भी हो गया तो क्या कहना है। लेकिन भाई साहब भाभी ने कहा पहले देख लेने से स्त्री में आकर्षण कम हो जाता है, मजा है तीतर की तरह फड़कते हुए दिल से फूलों की सेज पर एक कोने में सिमटी हुई दुल्हन का घूंघट उठाने में। वाह वाह क्या बात है। और अगर पहले ही देख लिया तो मजा ही क्या रहा है। तो सजनों हर भारतीय भाभी अपने देवर से अपनी बहन की शादी करना चाहती है। बिल्कुल ठीक कहा। चाहे वो बहन एक्सक्यूज में पांचों उंगली एक तो नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने भाग्य के सहारे उसे देखने का हट त्याग दिया। भाभी ने मुझे अपनी एक सहेली के नाम एक पत्र भी दिया और उन्हें मेरे आने से पहले एक टेलीग्राम भी। बंबई में आप जानते ही हैं खाने पीने रहने की कितनी कठिनाई होती है। क्यों साहब? से आ रहे हैं, आपका नाम आनंद। आपने कैसे जान लिया? आपका शुभ जी लवन, दीदी का पत्र और टेलीग्राम। बड़ी तकलीफ दे रहा हूँ आपको। आप जैसे सज्जन अगर जिंदगी भर तकलीफ दे तो भी सौभाग्य होगा। आप पढ़ती हैं? जी नहीं, प्रैक्टिस करती हूँ। कल रात एक सीरियस केस आ गया था इसीलिए आंख लग गई और आपको लेने ना आ सकी। कोई हर्ज नहीं। अच्छा तो आप ऐसे कीजिए, नहा धो लीजिए जब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। जी खो जाए। अच्छा भी खो जाए तेरे। चाय ठंडी हो रही है। बस अब I'm sorry। काफी देर कर दी आपने नहाने में। हाँ लीजिए ना, बिस्किट भी लीजिए। थैंक यू। किसकी याद में ये गीत गुनगुनाया जा रहा था जनाब? जिंदगी में अभी तक किसी को प्यार करने का अवसर नहीं मिला। सोचा होने वाली बड़ी भाग्यवान है आपकी होने वाली, वो भी बिचारी कहीं आहें भरती होगी आपकी याद में। वो भी तो बस यही है बंबई में। अच्छा बंबई में? जी। क्या नाम है उसका? उनका नाम है डॉक्टर हंसमाला। हंसमाला? हाँ हाँ, मैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा? वो अक्सर क्लब में मिल जाती है। अच्छा, सचमुच हंसमाला बहुत ही भाग्यवान है जो आप जैसा पति उन्हें मिला। भला मुझ में ऐसी कौन सी खूबी है? चाय ठंडी हो रही है, पीजिए ना। यहाँ आपके यहाँ कौन कौन है? बस मैं और नौकरानी। अकेली रहती हैं? हाँ, जब तक अकेलापन लिखा है भाग्य में तब तक कोई क्या कर सकता है। बाहर मरीज, घर में अकेली, यही मेरा जीवन है आनंद बाबू। आप विवाह क्यों नहीं कर लेती? भला मुझ जैसी मामूली लड़की से विवाह कौन करेगा, कौन अपना भाग्य फोड़ेगा? कभी आईने में आपने अपने को देखा है? कम से कम एक गवाह तो मैं भी हूँ। चलिए हटिए भी।
हंसमाला सुनेगी तो क्या कहेगी और क्या सोचेगी? सोचने दीजिए, मैं व्यक्ति की आजाद भावना को विवाह से अधिक महत्व देता हूँ। जीवन में रोमांस गूलर के फूल की तरह है जो किसी किसी ही भाग्यशाली को प्राप्त होता है। किंतु आप भी ये किंतु परंतु ले बैठी हैं। आनंद बाबू विश्वास कीजिए, सारी रात की जागी हूँ, जरा आराम कर लो। आप भी आराम कर लीजिए, खाना खाने के समय पर जगा दूंगी। हाँ ओके। लवंग बैठ जाओ। आज बंबई में मेरा अंतिम दिन है। जीवन भर ये छोटी सी मधुभरी भेंट नहीं भूलूंगा। काश कि मैं कोई कवि होता, काश कि पहले मैंने हंसमाला को वचन न दिया होता तो आप मुझसे विवाह कर लेते। पर आनंद बाबू, सितारों की गर्दिश जो मेरे भाग्य में लिखी है उसे तुम और मैं क्या मिटा सकते हैं? फिर भी इन क्षणों की याद में मैं अपना बाकी जीवन काट दूंगी। मेरे जीवन में अब कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हूँ आनंद बाबू और तुम मेरे। यदि मेरी साधना सत्य होगी तो मैं तुम्हें इस या अगले जन्म में अवश्य मिलूंगी। आओ कुछ देर एक दूसरे के पास बैठ लें, अपने जी की कुछ कह सुन लें। नहीं आनंद बाबू, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। मैं गंगा की तरह पवित्र रहना चाहती हूँ। हाँ, गंगा में अपवित्रता कैसे आ सकती है? तुम पवित्र ही रहोगी। अपने ये शब्द भूलना नहीं आनंद बाबू, कभी काम आएंगे। अब मैं भी कह सकती हूँ तुम भी चांद की तरह अछूते हो। तुम मेरा कोई निशान अपने पास रखना चाहती हो? हाँ? ये लो। नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। कहीं भविष्य में मेरा विवाह हुआ और मेरे पति ने तुम्हारी ये निशानी देख ली तो सारा भेद खुल जाएगा। और इसीलिए मैं भी तुम्हें अपनी कोई निशानी नहीं देना चाहती। हंसमाला बड़ी शक्की मिजाज की है। तो फिर आज से हमें एक दूसरे को दुनिया के लिए भूल जाना चाहिए। नहीं आनंद बाबू, नहीं, एक बार और मिलन होगा हंसमाला की शादी पे। पर तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। कहो वो क्या है? वो ये कि तुम मुझे एकदम अजनबी समझोगे, मुझे पहचानोगे भी नहीं और ना मुझसे बोलोगे। स्वीकार। अच्छा, फिर एक बार अपनी प्रतिज्ञा दोहरा ले, मैं गंगा की तरह पवित्र हूं और मैं चांद की तरह अछूता हूं। हाँ, अब तुम जाओ आनंद बाबू, तुम जाओ। मैं तुम्हारे साथ स्टेशन तक नहीं जा सकूंगी, मुझे रुलाई आ रही है। नहीं नहीं, विदा विदा लवंग, विदा, गुड बाय। हंसमाला, जीवन की कठोर साधना के बाद तुम्हें पाया है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम भी इस कदर शर्माती हो। ये रात जिसे सुहाग रात कहा जाता है, पति पत्नी के भावी जीवन की नींव डालती है। इसी पर एक दूसरे का विश्वास स्थिर है। मेरे लिए केवल एक तुम हो, मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व, सब कुछ। कुछ बोलो।
चलो मेरी हंसा, नहीं बोलती। शायद तुम सोचती हो ये सब पत्नियों को फुसलाने की बातें हैं। मैं इस मधुर रात, इस शहनाई की, इस सुहाग सेज के इन फूलों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं जीवन भर चांद की तरह अछूता रहा हूं। और मैं भी सिर्फ तुम्हारे लिए गंगा की तरह पवित्र रही हूं। तुम लवंग? ये क्या नाटक है ये? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मेरी हंसा, लवंग कहो, तुमने वचन दिया था। अच्छा लवंग, पर ये सब हुआ कैसे? दीदी ने तुम्हारा सारा दिमागी फितूर पत्र में लिखकर मुझे भेज दिया था। अच्छा ये बताओ, तुम क्या समझते थे किसी भोली भाली लड़की को प्रेम जाल में फांस लोगे बंबई में आकर? हाँ ओह गॉड, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है जीवन की एक कॉमेडी। हंसमाला उर्फ लवंग यहाँ मौजूद। अरे वाह, मैं तो कहूंगा कि तुम भी अपनी किसी भाभी की बहन से शादी कर डालो। क्या ख्याल है मिस्टर प्रियदर्शी? अरे पर साहबान, दुर्भाग्य की बात है कि मेरी कोई भाभी ही नहीं है। अरे अरे, जो इतनी सारी बैठी है वो कौन है? वो भी तो तुम्हारी भाभियां ही है। अरे जिसे भाई कहोगे उसकी पत्नी को भाभी कहने का लाइसेंस तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्यों? और हाँ, अरे भाई मेरी पत्नी भी तो तुम्हारी भाभी है और उसकी भी एक बहन है। ओके ओके, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार। लो लवंग, हो गया समझौता। हाँ तो साहबान, आज प्रियदर्शी बाबू के कॉलेज में परमानेंट होने की खुशी में खाना था और फिर कल इनकी सगाई की खुशी में फिर खाना होगा। और खाना हो, सुनो सुनो, अगर खाना हो तो गाना कैसे ना हो।